വടും ക്യായ്ക്ക് അന്തകലിം യദുകുലസ വിദായ വേടു തമ്പയാ. ഭഗവാനെ ആജ് മനമേ വിചാർ കിയാ ഥാ അവ യദുകുൽ കാ ഉദ്ധാർ കരാ കേ മുജെ അപ്നി ലീലാ കോ സമേറ്റനാ ഹൈ. വ്യവസതു രാജൻ ശത സങ്കൽപ ഈശ്വരഃ സാപ വ്യാജേന വിപ്രാണാം സഞ്ജയേ സ്വകുലം വിഭു. ഭഗവാനെ ബ്രാഹ്മണോ കോ യദുകുൽ ഉദ്ധാർ കാ മാധ്യം ബനായ. एक दिन की बात थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पोते प्रपोते बच्चे नाती सब को इकट्ठा किया. सुनिए मतलब की बात है, कुछ बहनें आपस में एक दूसरे के कान में बात कर रही हैं. तुम क्या बता रही हो मुझे पता है, अभी मेरी बात सुन लो, अपनी बाद में सुनाना. कृष्ण ने सबको अपने पास बिठाया और एक सूत्र दिया, कहा बेटा सब कुछ करना लेकिन संतों का अपमान मत करना, भक्तों का अपमान मत करना. जो भक्तों का संतों का अपमान करता है उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकता. बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े और कहने लगे आजकल तो पिताजी को बाबाजियों की बड़ाई करने से फुर्सत ही नहीं है. तो बच्चे वो खिलखिला करके हंस करके निकल पड़े. सुनिए भगवान अकेले बैठे रह गए. इन्होंने तो कह दिया पिताजी हैं, बाबाजियों की बड़ाई करते. और जैसे ही द्वारका से वो बाहर निकले तो उन्होंने कुछ साधुओं को देखा. लिखाए विश्वामित्रो सिता कंडो दुर्वासा भिर गुर अंगिरा कश्यपो माम देवो त्रिवशिष्ठो नारदा दया क्रीडंत्या तान पव्रज कुमारा यदुनंदना. भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और प्रपोत्र इन सब ने साधुओं को देखा. प्रद्युम्न ने कहा कि आजकल पिताजी ज़्यादा इन साधुओं की बड़ाई करते हैं, तो इनकी परीक्षा ही ले लो ना, ये कितने बड़े तपस्वी हैं. तो स्त्री वही सही साम्बम जाम्बवती सुतम, जाम्बंती के बेटे सांब को गर्भिणी स्त्री का रूप दिया. पेट से खूब कपड़े बांधे, गर्भिणी स्त्री का भेष बना दिया. ऐसा प्रक्षत वही बुप्रा अंतर न्यायिक साक्षणा. और वह अपना प्रश्न पूछने को पहुंच गए और महात्मा भी उन्होंने कैसे देखा, कैसा देखा, लाल मिर्च जिसकी नाक पर घिसी हुई रखी रहे दुर्वासा. श्री दुर्वासा जी के सन्मुख पहुंचे और दुर्वासा जी से कहा गुरु जी इस स्त्री को संतान होने वाली है, लज्जा बस आपको पूछ नहीं सकती, इसलिए आप बताओ लला होगी, लला हो के लली बेटा होगा या बेटी. दुर्वासा जी को इतना क्रोध आया और कहा परमात्मा के वंशधर बनने का तुम्हें इतना बड़ा अहंकार, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए जनश्रति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम. इसकी कोख से ना बेटा ना बेटी धान कूटने वाला यंत्र पैदा होगा जिससे पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा, मेरा श्राप. अब धान कूटने वाला यंत्र वो आप जानते ही हैं, मुझे व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, ऐसा बोल दिया गया है. उसके तत्पश्चात मत्स्योग्रही तो मत्सन्येगा जलन जले नान्य सवारण ही तस्योदर्ग तम लोहम सासल्ये लुब्ध को करोत. बच्चे रोते हुए पिता के पास पहुंचे, कृष्ण को कहा श्राप लग गया, ऐसी ऐसी बात है, भगवान ने हाथ उठाए, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता. साधु का अपमान जो करेगा उसको भगवान भी नहीं बचा पाएगा. गुरुजनों का संतों का जो अपमान करेगा उसे परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा. वसुदेव जी महाराज के पास गए, श्री वसुदेव जी ने भी मना कर दिया. उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन को बताया, उग्रसेन ने कहा कुछ नहीं होता, वो कंस का बाप है वैसी बात करेगा. कहा चलो कपड़े ऊपर करो. जैसे ही कपड़े ऊपर करे तो धान कूटने वाला यंत्र वो धनकुट नीचे गिरा, धरती हिल गई, घिसाई शुरू करी उसकी, चूर्ण समुद्र में बह गया. टुकड़ा बचा तदोस्त गर्तम लोहम, उस लोहे के टुकड़े को पानी में फेंक दिया. मछली ने उसको निगला, मछुआरे ने मछली का पेट फाड़ा, उस टुकड़े को बाण के ऊपर रखा. अभी थोड़ी देर के बाद में आप सुनेंगे यही वह टुकड़ा भगवान के चरण में जाकर के आघात कर गया. सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन परीक्षित, संतों से जुड़ करके तो भजन होना चाहिए, उनका अपमान नहीं. भजन के बिना बिल्कुल कल्याण नहीं है. यदवंश की दुर्गति का कारण यह अभिशाप बन गया. जिंदगी में जो भी कुछ मिला है भगवत कृपा से मिला है, मिल तो जाता है लेकिन लोग उसको पचा नहीं पाते. धन तो बहुतों को मिल गया लेकिन पचता कहाँ है. माता पिता इतना धत धर के चले गए, इतना दे गए कि बच्चों ने पी पी पौआ साफ खत्म कर दिया. इसलिए तो मैंने बहुत बार किया है कि इन्हें संपत्ति मत दो, इन्हें संस्कार दो, इन्हें संस्कार दो, नहीं तो ये ग्याराम चाचा के घोड़े का मूत्र पी जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये और क्या करेंगे. हाँ,
इनको संस्कार देने की जरूरत है, समझ रहे होंगे आप, इनको संस्कार देने की जरूरत है, संपदा नहीं। 20 नाखूनों से कमा करके माला माल बने, उन्हें संस्कार दीजिए, संपत्ति देने की होड़ में है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि यही तो जीव का उस बाप का यह अज्ञानपन है, ये और इतना बुरा हुआ जिसको शब्दों में परीक्षित बांधा नहीं जा सकता। संतों के सारे भजन होना चाहिए और इन्होंने संतों का अपमान कर दिया।